हाय एवरीवन, माय सेल्फ गौरव कुमार। आज हमारी फेयरवेल है। आई वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, प्लीज़ गिव योर फ्यू मिनट्स ओनली। शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था और स्कूल में पहली बार आया था, मैं तब भी रो रहा था और आज भी रो रहा हूँ। बट फर्क इतना है कि तब मैं रो रहा था कि स्कूल में नहीं जाना, और आज इसलिए रो रहा हूँ कि स्कूल से नहीं जाना। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सीखी हैं, देखी हैं। जैसे एग्ज़ाम से पहले अंकुर सर बोला करते थे, बेटा धूपबत्ती करना स्टार्ट कर दो, और टिक्कू सर बोलते थे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। फिर वो कहा करते थे, फिर बच्चे मेरे मुँह चू लेते हैं। फिर राजेश सर कहते थे, गौरव ये नोट सबको सेंड कर देना, कल सभी क्वेश्चंस करके आएंगे, परसों सबका टेस्ट होगा। फिर संगीता मैम, जो कि हमेशा हमें डिसिप्लिन में रखते थे, मैम यहाँ पर तो आप हमें बिल्कुल प्रॉपर हेयर कट रखते थे हमारा, और ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर रखते थे, बट कॉलेज में ये सब कौन करेगा। फिर हमारे इंग्लिश के टीचर्स, जो हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराते थे। ऑनलाइन क्लासेस में जब आंसर ना आते थे तो अपने आप नेटवर्क कम हो जाता था। फिर फिजिक्स लैब में जाते ही एनर्जी का बढ़ जाना, बॉडी में चार्ज हो जाना, और केमिस्ट्री लैब के वो एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट कहाँ याद भूल सकते हैं। फिर 9वीं 10वीं में थर्ड पीरियड से पहले ही टिफिन के डब्बों का खाली होना, कबड्डी में फटी हुई पैंट्स, और ये स्कूल की तरफ से दिया गया गिफ्ट एज अ मार्क, जो कि हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा। कंटीन में वो एक समोसे के लिए जद्दोजहद, जो कि आगे ना जाने कहाँ मिलेगी। सॉरी, काफ़ी सारे टीचर्स का मैं जिक्र नहीं कर पाया, जैसे कि टीचर्स इंदु मैम, शाली मैम, साक्षी मैम, मोनिका मैम, अश्विनी सर, राजेश सर, रजनी मैम, बट इनकी सिखाई हुई बातें भी मेरी लाइफ में हमेशा एवरग्रीन रहेंगी। मुझे आज भी टीचर्स का वो प्यारा सा झूठ याद आता है, जब वो बोला करते थे, 9th कर लो फिर मज़े, 10th कर लो फिर मज़े, 11th कर लो फिर मज़े, 12th कर लो फिर मज़े। बट आई डोंट थिंक कि 12th करने के बाद अब उतने मज़े रहेंगे। आई विल मिस माई स्कूल। एंड बचपन में हम कहा करते थे कि स्कूल कब ख़त्म होगा। आज जब स्कूल ख़त्म होने को आया तो दिल कहता है थोड़ी और स्कूल लाइफ चाहिए यार। टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अगर मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए गुस्ताखी माफ, मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगता हूँ, और चाहता हूँ कि आगे हमारे साथ ये बुरी यादें ना जाएं। और थैंक यू एवरीवन, और आज हम अच्छे बूफे की उम्मीद।